मुझे एहसास है कि यहां के युवा साथियों को शिक्षा के लिए, ट्रेनिंग के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था। अब एरंग गांव में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी टीआई बनने से आप सभी युवा साथियों को बहुत लाभ होने वाला है। यहां से अब कार निकोबार के युवा इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, ऑटोमोटिव टेक्नीशियन बनकर के निकलेंगे और देश भर में कहीं पर भी रोजगार के लिए समर्थ होंगे। साथियों, कार निकोबार के युवा पारंपरिक रोजगार के साथ साथ आज शिक्षा, चिकित्सा और दूसरे कामों में भी आगे बढ़ रहे हैं। स्पोर्ट्स की स्किल तो यहां के युवा साथियों में रची बसी है, आपकी रगों में खेलकूद है। कार निकोबार फुटबॉल समेत अनेक खेलों में देश के बेहतरीन स्पोर्टिंग टैलेंट के लिए भी मशहूर हो रहा है। थोड़ी देर पहले यहां के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से मुझे मिलने का अवसर भी मिला। मुझे बताया गया है कि यहां की जूनियर फुटबॉल टीम ने 4 बार मशहूर सुब्रतो मुखर्जी कप जीता है। साथियों, यहां के टैलेंट को, यहां की प्रतिभा को और निखारने के लिए अब लपाती गांव में बना आधुनिक खेल परिसर आपके लिए समर्पित है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एकमात्र ऐसा परिसर है। करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से बने इस खेल परिसर में तमाम सुविधाएं बनाई गई हैं। बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल के साथ साथ यहां एक सिंथेटिक ट्रैक भी बनाया गया है। साथियों, फुटबॉल के अलावा साइकिलिंग हो, कायाकिंग हो, रोइंग हो, कार निकोबार के अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ी आपने देश को दिए हैं। आज जिस खेल परिसर का लोकार्पण हुआ है, भविष्य में यहां साइकिलिंग के लिए वेलोड्रोम और स्विमिंग पूल बनाने की भी योजना है। साथियों, केंद्र सरकार अंडमान और निकोबार में रहने वाले हर नागरिक के लिए जीवन से जुड़ी हर व्यवस्था को आसान करने में जुटी है। सस्ता राशन हो, स्वच्छ पानी हो, गैस कनेक्शन हो, केरोसिन तेल हो, हर सुविधा को आसान करने का प्रयास किया जा रहा है। विशेष तौर पर यहां रहने वाले आप सभी जनों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। डिगलीपुर के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का विस्तार होने से स्वास्थ्य सेवा में बहुत सुधार होने वाला है।